about you in my general course. आज हम आपको 12th physics में पढ़ाने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता का सूत्र, जब उसके प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा। ठीक है, तो इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इस चैप्टर का पिछला वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल रखा है, उसको जरूर पढ़ लें, तब जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता का सूत्र, जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की आंशिक पट्टी रखी हो। ठीक है, तो दोस्तों मान लीजिए ये हमारा एक समांतर प्लेट संधारित्र है, जिसमें दो प्लेटें हैं, P है, Q है, क्लियर है? अच्छा, और इस प्लेट के बीच एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी गई है समान मोटाई की, जिसकी मोटाई क्या है, T है, और इसका परावैद्युतांक क्या है, K। और प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, जैसा आप जानते हैं हम लोग डी मानते हैं, तो डी मान लिया। ठीक है, अब देखिए जब हम इसके पहले प्लेट को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो ये आवेश डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इसके प्लेट पर, पहले प्लेट पर, राइट, और प्रेरण के कारण यही आवेश दूसरे प्लेट पर चला जाता है। ठीक बात है, और दूसरे साइड में प्लस आवेश होता है जो अर्थिंग कर देते हैं तो वो कहां समाहित हो जाता है। ठीक है, तो ये परावैद्युत रखते हैं तो क्या होता है, पहली बात तो परावैद्युत होता क्या है, व्हाट इज डाइइलेक्ट्रिक, ये भी जानना जरूरी है। परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, व्हाट इज डाइइलेक्ट्रिक, तो यू मस्ट नो डाइइलेक्ट्रिक इज द मटेरियल विच इंक्रीज द कैपेसिटेंसी ऑफ कैपेसिटर। परावैद्युत एक ऐसा पदार्थ होता है जब इसे हम संधारित्र के ब्लेडों के बीच रखते हैं तो यह संधारित्र की धारिता को क्या करता है, बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। क्लियर है, ठीक बात है। अच्छा जी, तो आइए देखते हैं मामला क्या होता है। अब जानते हैं दोस्तों कि जब आप इस तरह से प्लस और क्यू आवेश हैं तो इसके कारण क्या उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है, और जिसकी दिशा क्या होती है, प्लस आवेश से माइनस आवेश। ठीक है, क्लियर है। अब देखो होता क्या है, जब परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो परावैद्युत पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। अच्छा, यह परावैद्युत अभी भी समझ में नहीं आया होता क्या है, तो परावैद्युत देखिए अचालक पदार्थ होते हैं, दे आर इंसुलेटर। तो परावैद्युत अचालक पदार्थ होते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि दुनिया में सभी पदार्थ किससे मिलके हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। All substance are made up of atom। ये तो बात सीधा है भैया, ठीक है। तो जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रखते हैं तो जो परमाणु का नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन होता है अचालक पदार्थ में, उसमें एक्सटेंशन तनाव उत्पन्न हो जाता है, टेंशन, राइट, और इसके कारण तनाव के कारण जो नाभिक होती है वो माइनस चार्ज की ओर खींच जाती है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्लस चार्ज की ओर खींच जाते हैं, और यह घटना परावैद्युत का ध्रुवण कहलाती है। ठीक है, समझ में आई बात, तो परावैद्युत का ध्रुवण हो जाता है। तो आप जानते हैं इसके अंदर भी देखिए दो आवेश उत्पन्न हो गए प्लस माइनस, तो प्लस माइनस आवेश उत्पन्न होगा तो इसके अंदर भी आपको क्या उत्पन्न हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा भैया, होगा नहीं होगा, जहां भी प्लस माइनस आवेश हुए तो वहां पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, और उसकी दिशा क्या होगी, प्लस आवेश से माइनस आवेश। ठीक है, इतना समझ में आया? अच्छा, चलो कोई बात।
अब जानते हैं आप कि यहां माना, माना लगाइए भाई, माना जो हमारा परावैद्युत पट्टी है, परावैद्युत पट्टी है की मोटाई, मोटाई कितनी है, टी है, टी माना भाई। तो अब भैया देखो, जब इसकी मोटाई टी हो गई तो बाकी ये हवा भाई प्लेट के बीच बाकी क्या है, हवा है, कुछ रख दिए बीच में तो बाकी जगह क्या बचा, हवा। तो हवा में मोटाई प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच हवा में दूरी, दूरी कितनी हो जाएगी, डी माइनस टी। ठीक है, समझ में आया बात। अच्छा अब देखो, अभी मैंने समझाया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, तो हवा में, हवा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या पढ़ा आपने, ई बराबर प्लेटों के कारण उत्पन्न होती है, तो प्लेटों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, चलो इसको ई वन मान लेते हैं हवा में, ठीक है। तो ई वन बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा का होता है, है? आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो ई वन बराबर हो गया, और सिग्मा की इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान ए प्लेट के लिए, ठीक है। तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए, क्लियर है, ओके जी। अब देखिए परावैद्युत पट्टी में, परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E2 बराबर, अब यहां इसका माध्यम का परावैद्युतांक के माना है, तो E2 बराबर होगा क्या, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट की, या E2 बराबर हो गया क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट की, ठीक है जी। यहां तक समझ में आया कंसेप्ट। अच्छा, फिर हमने पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होती है वी अपान डी, विभव प्रवणता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होती है, विभव प्रवणता के, है? पिछले लेसन में यह सूत्र आया था, देखिए। तो दिस इंप्लाइज वी इज इक्वल टू क्या होगा, ई डी, ठीक है। अब प्लेटों के बीच टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी है। अच्छा जी, तो यहां से बी इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या होगा, ई वन हवा है, ई वन हवा में है, तो ई वन और दूरी क्या हो गई, डी माइनस टी प्लस ई टू, परावैद्युत पदार्थ है, ई टू इंटू क्या होएगा, टी, क्लियर है। अब देखो भैया, तो E1 की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी माइनस टी प्लस सिग, सॉरी क्यू अपान है यार, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के ए इंटू क्या हो गया, टी, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें कॉमन क्या है, कॉमन दोनों में, तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए भैया हमको दिख रहा है, तो चलो दिख रहा है तो इसी को निकालते हैं, बचा क्या यहाँ, डी माइनस टी प्लस टी अपान क्या बच गया, के, ठीक है। तो वी इज इक्वल टू, अब देखो भैया संधारित्र की जो धायिता होती है, तो धायिता के परिभाषा से धायिता सी बराबर होती है क्यू अपान वी, सी इज इक्वल टू क्या होती है, क्यू अपान वी, चलो तो वही करते हैं। तो इसलिए समांतर प्लेट की संधारित्र की धायिता होगी जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, तो सी बराबर हो जाएगी, देखो क्यू अपान इसको हाई वैल्यू रख दो, है तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपान
ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब जानते हैं ये क्यों क्यों मर जाएगा, क्यों क्यों मर गया, कैंसिल हो गया, और ये वन अपान बचा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो बचा क्या भैया, सी इज इक्वल टू है सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई, एप्सिलॉन नॉट ई अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान के। हाँ, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपान इन ब्रैकेट डी माइनस टी प्लस टी अपान, ठीक है, समझ में आया। तो समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता का सूत्र आ गया सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान की। छाप लीजिए, छापो जल्दी, छाप लिया है, हाँ छाप लो भैया, हम अब इसको मिटकाने वाले हैं, इरेज करेंगे। हाँ इरेज करता है, ओके बिना टेंशन के, चलो भैया ये लो मिटका दिया है। अब देखो भैया इसको भी मिटा देते हैं, बड़वा हमारा बड़ा छोटा है भैया, चलो अब कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन नंबर एक, कंडीशन है ये भी धोखा देगा का भाई, तो कंडीशन कंडीशन अप्लाई करो। नंबर एक, पहली कंडीशन ये अप्लाई करते हैं कि जब मान लीजिए प्लेटों के बीच है, प्लेटों के बीच का पूरा स्थान परावैद्युत पदार्थ द्वारा भरा हो। क्या समझे, तो ये जैसे पूरा ही वैद्युत पदार्थ भरा हो, समझ रहे हो फिगर में है? तो मतलब क्या हुआ, तो इस कंडीशन में तब क्या रख देंगे हम, P इज इक्वल टू डी फॉर्मूले का राइट। तब संधारित्र के धारिता का सूत्र हो जाएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस डी राइट प्लस डी अपॉन के, टी के जगह डी रख देना है, तो डी माइनस डी जीरो हो गया, तो ये आ गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी अपॉन के, तो ये के ऊपर चला जाएगा, तो C इज इक्वल टू व्हिच इंप्लाइज C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन टी, ठीक है। ये फॉर्मूले आप नोट करते रहें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये आपको हेल्पफुल होंगे, ठीक है। राइट नाउ अब कंडीशन नंबर टू क्या है कि जब मान लीजिए प्लेटों के बीच केवल वायु हो, परावैद्युत पट्टी हो ही नहीं, केवल क्या हो, प्लेटों के बीच वायु रखी हो, इन दैट केस अब क्या होएगा, टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी और प्लस डी माइनस जीरो प्लस जीरो अपान के हो गया, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, व्हाट विल यू गेट, एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, यही तो होता है समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता का सूत्र, जो पिछला लेक्चर आपको मैंने पढ़ाया था। देखो मेन ये इसी को आपको लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में ये पूछा जाता है, और इसको निकाल लिया तो सब निकल जाएगा, ठीक है। कंडीशन लगा दो, ठीक। तीसरा कंडीशन अप्लाई करते हैं, आप भी भाई गायब हो जाओ। तीसरा कंडीशन मजेदार, ये देखो मजेदार क्या हुआ कि अब मान लीजिए अलग अलग परावैद्युत पदार्थ की पट्टियां
मतलब माध्यम का परावर्तितांक इनके अलग अलग हो, और बहुत सारी पट्टियां रखी गो जिनकी मोटाई T1, T2, T3, सो ऑन, और परावर्तितांक K1, K2, सो ऑन। तो उस केस में क्या होगा, तो C बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट ए इज इक्वल अपॉन सॉरी अपॉन डी माइनस। अब देखो T1 प्लस T2 प्लस T3 सो ऑन, ओके, अब प्लस डी अपॉन क्या होएगा K1 प्लस K2 प्लस K3 सो ऑन। ठीक है, समझ आ रहा है? लफड़ा कर दिया, क्या हुआ, क्या क्या था, टी अपान के था ना, हाँ, तो क्या हो गया, तो यहाँ आ गया T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3 है, सवाल क्लियर। अब देखो कि जब T1 T2 T3 इस तरह से मोटाई की पट्टियां भरेंगे, तो ये जब पूरा भर जाएगा तो पूरी मोटाई क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी, यानी T1 प्लस T2 प्लस T3 जो भी भरा गया है ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए और डी माइनस डी गया जीरो, और ये बच जाएगा T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस सो ऑन। ठीक, तो ये हो जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता का सूत्र। जब प्लेटों के बीच भिन्न भिन्न मोटाई वाली तथा भिन्न भिन्न परावैद्युतांक वाली अलग अलग पदार्थों की पट्टियां रखी हो, तो यहां लिख सकते हैं TN अपॉन KN। ठीक है, समझ में आया, उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो बढ़िया से समझ में आया होगा। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपना आशीर्वाद बना रखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।